गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी निकल रहा हूँ मेरे दोस्त के घर पे, क्योंकि दोस्तों उसके यहाँ पे हमने कुछ महीनों पहले एक टैंक सेटअप किया था और उसके यहाँ पे मैंने एप्पल सेल का एक पेयर भी दिया था, जो कि उसके यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है यार। उसके यहाँ पे बहुत सारे एप्पल सेल के बच्चे आ गए यार। तो वो बोल रहा है कि यार वो देखने में मतलब इतने सारे हैं कि यार उसका भी पानी हमें चेंज वगैरह करना है। तो चलो यार दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ मेरे दोस्त के घर पे और आपको मिलता हूँ मेरे दोस्त के घर पे। वेलकम बैक। और दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ मेरे दोस्त के घर पे। हेलो भाई, कैसा है भाई? अच्छा हो भाई, बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ यार तुझे। 2x1 का एक टैंक सेटअप किया था दोस्तों हमने, जो कि इसमें हमने 4 पोलर पायरेट्स रखे थे और बाकी सिकलेट छोड़े थे और एक काफी छोटे बच्चे थे, अभी आप ये देख भी सकते हो और बहुत बड़े। और इसमें एक सरप्राइजिंग चीज ऐसी कि भाई यहाँ पे हमने एप्पल स्नेल्स भी छोड़े थे 2 पेयर, और 2 पेयर हमने यहाँ पे छोड़े थे। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप ये निकाल लो, बट हमने नहीं निकाले। और यहाँ पे आप उनके बच्चे भी देख सकते हो भाई, ये देखो ये पूरे के पूरे जितने भी टैंक के सरफेस के ऊपर आप दिख रहे हैं ना छोटे छोटे छोटे, ये सारे एप्पल सेल के बच्चे। तो यहाँ पे इतनी ब्रीड कैसे हुई यार, हम खुद यार कुछ शौक है भाई। हाँ। दोस्तों ये वाला जो टैंक है, हम इसका जो वाटर है वो भी चेंज करना था, मतलब भाई को चेंज करना था। तो भाई को मैंने बोला था कि यार 1-2 दिन के लिए रुक जा, मैं जब आऊंगा ना तब चेंज कर, क्योंकि यार हमें एप्पल सेल देखने थे यार, ठीक है, और आपको भी दिखाना था यार, क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे थे कि यार सिकलेट के साथ एप्पल सेल नहीं रहती, पोलर पैरेट के साथ एप्पल सेल नहीं रहती, बट यार ये आराम से रहती। और यहाँ पे हमने एक प्लेको भी छोड़ा था, वो कहा है भाई? सारा पानी निकल लेते और यहाँ पे हम काउंट करते हैं भाई कितने एप्पल सेल के बच्चे निकलते हैं। चलेगा। और हमने यहाँ पे जैसे क्या फूटाई भाई, और हमें एक सरप्राइज मिला भाई दोस्तों, ये देखो भाई क्या देख रहा है भाई, हम कहा गया रे, अभी यही थे ना यार अंडे। हाँ ये देखो भाई यहाँ पे भी एक मिनट कैप ही निकल लेता हूँ भाई मैं। तो दोस्तों ये देखो भाई यहाँ पे भी अंडे दे दिए भाई इन्होंने, भाई साहब ये देखो। और बाकी पहले वाले नहीं यार, बाकी तो हमने पूरा चेक कर दिया। यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे भी रुनित, ये देख यहाँ पे भी, ये सेकेंड वाला भाई अंडों का ग्रुप, भाई साहब। तो चलो भाई अभी इनको न डिस्टर्ब करते हुए हमें ये पानी निकालना है दोस्तों, और यहाँ पे न्यू वाटर ऐड करना है। अपन क्या करते हैं, इधर से 50% पानी निकलते और स्नेल्स को साइड में कर देते। चलेगा भाई, करेंगे यार, और काउंट भी हो जाएंगे यार इजीली, ठीक है ना। हाँ चलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ का सारा पानी धीरे धीरे निकल रहे साइपोम की मदद से, ये देखो ये पाइप की मदद से सारा पानी हम निकल रहे हैं। चलो भाई ये पानी निकाल लेते हैं और 50% वाटर इनका भी चेंज करना है, और फिशेस की जो ग्रोथ है वो भी हमें देखनी है भाई कितने बड़े हुए। तो यहाँ से हमने सारा कुछ जो हाइडिंग स्पेस था इनका सारा कुछ हमने निकाल लिया है, अभी से भी यहाँ पे फिश रही और थोड़े बहुत एप्पल सेल के बच्चे, वो भी हम धीरे धीरे निकल रहे। ये देखो भाई इतने सारे बच्चे निकले भाई यहाँ से, और ये 2 ही स्नेल हमने यहाँ पे ऐड किए थे। तो बाकी स्नेल निकाल ले, तब तक मैं ना ये अच्छे से क्लीन करके लाता हूँ भाई। भाई हम कब का क्लीन कर रहे हैं यार दोस्तों, तो इतना कुछ क्लीन हो गया और अभी लास्ट वाले ये स्कल बाकी भाई। कैसा है देखो, कितना डरावना है, तू क्लीन कर लेगा क्या? हाँ भाई, तब तक को काउंट करता हूँ कितने होते हैं, ठीक है। चलो भाई अभी है ना हम दोस्तों क्या करते हैं, एप्पल सेल के कितने बच्चों काउंट कर लेते। दोस्तों हमने टैंक में से सारे एप्पल सेल के बच्चे निकल लिए, अभी मैं काउंट करता हूँ भाई कितने निकलते हैं। ये देखो यार कितने सारे भाई, ये करीबन 200 के आसपास होंगे भाई। तो चलो मैं काउंट कर लेता हूं, फिर मैं आपको मिलता हूं। भाई मुझे ना यार बिलीव नहीं हो रहा यार दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट 165 बच्चे निकले भाई एप्पल सेल के। यहाँ पे सिर्फ हमने एक पेयर छोड़ा था जो कि ये है भाई, इनके मॉम डैड ये, और इनके इतने सारे बच्चे भाई। अभी ये तो पहले वाले है और अंडे यार 2, अभी वो कब हैच होते हैं पता नहीं, ठीक है, पर अभी यार टोटल 165 बच्चे आए हुए, काफी ज्यादा हैप्पी न्यूज है यार। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से ना सारे फिश में निकल लेता हूँ, फिर यहाँ का फिर से हम सेटअप पहले जैसा करने वाले, थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाले थे बट यार एक्वेरियम शॉप ही बंद यार, क्या करें ना। तो दोस्तों यहाँ से हमने एक अल्बिनो प्लेको निकाला है, जो कि अल्बिनो था यार, इसका कलर देखो यार कैसे डार्क कलर का, मतलब अलग ही हो गया, मरून कलर जैसा लग रहा है यार ये। दोस्तों यहाँ से हमने सारे फिश तो निकाल लिए, और आपको इनकी साइज दिखा दो, सिकलेट देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी है, व्हाइट वाली की साइज देखो यार, इसकी रेड आईज है दोस्तों। ये देखो ये सिकलेट, ये हमारे 4 पोलर पैरेट्स, ये प्लेको, और ये 2 और सिकलेट। दोस्तों आप है ना यार 2 महीने पहले पुराना वीडियो देखना भाई, उसमें हमने जो फीचर छोड़े थे ना सिकलेट, बहुत छोटे साइज के थे यार, अभी और देखो यार कितने बड़े साइज हो गए दोस्तों। मेन रीजन तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे एप्पल स्नेल और फिशेस की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, क्योंकि यार 2 ही महीने हुए इनके, हमने बहुत छोटे बच्चे लाए थे, कितने बड़े हुए। तो यहाँ पे ना दोस्तों ये देखो यार, यहाँ पे एक गार्डन ही किया गया है,
यहाँ पे सनलाइट आनी चाहिए, तो ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है ना ये ऐड की गई है, तो इसकी जो सनलाइट है ना यार प्रॉपर यहाँ पे आती है टैंक के ऊपर, तो इसी की वजह से फिशेस को थोड़ा नेचुरल सनलाइट भी मिल जाता है और जो टेम्परेचर है पानी का वो भी प्रॉपर रहता है यहाँ पे, क्योंकि पूरा गार्डन है भाई यहाँ पे, तो इसी की वजह से यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो चलो यार दोस्तों अभी ये पूरा हम टैंक लिंक कर लेते हैं, पूरा टैंक सेटअप करने के बाद में आपको मिलता है। फाइनली दोस्तों हमारा जो टैंक सेटअप है वो रेडी होके रेडी हो चुका है भाई, ये देखो यार। अब इसका जो पानी ना दोस्तों थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, एक दो घंटे के बाद ये पूरा पानी शांत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इनको यूज किया है पुराना वाटर यूज क्यों किया भाई आपको पता ही यार इसका रीजन। और हमारे प्यारे से नन्नू मुन्नू स्नेल के जितने भी बच्चे हमने इस वाले टैंक से सारे निकल लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे थे तो हमारे जो बाकी फिशेज है इतना अच्छा नहीं दिख रहा था यार, तो हमने क्या सोचा भाई इनको एक महीने तक यहाँ पे ही रख दिया जाए। ये देखो इनके लिए हमने एक प्रॉपर छोटा सा सेटअप भी कर दिया, और एक महीने के बाद ये जो थोड़े बड़े हो जाएंगे दोस्तों हम ये हमारे सेटअप में लेके जाएंगे, और इनके लिए बड़ा सा सेटअप बनाने वाले भाई, क्योंकि हमारे सेटअप में बहुत सारे अपन्स हैं यार। हाँ यार बाहर के पौंड की क्या स्थिति है भाई, हमने यहाँ पे एक पौंड सेटअप किया था, सॉरी यहाँ पे एक पौंड सेटअप किया था जो कि आपको मैं दिखाता हूँ भाई उस पौंड का क्या हुआ क्या। हाँ ये देखो ये पूरा टूट गया भाई, ये कैसे टूटा अभी तू ही बता दे भाई। बिल्ली आई थी, हाँ उधर फिश था ना, तो बिल्ली ने गिरा डाला था पॉन्ड नीचे। नहीं बिल्ली ने गिराया है, अच्छा मुझे लगा कि यार मतलब अपने से हुआ है। आई थी ना, हाँ अरे यार ये देखो यार दोस्तों ये पूरा टूट गया है, क्योंकि ना दोस्तों ये मिट्टी का था यार, मिट्टी का होने की वजह से बिल्ली ने इसको गिरा दिया और ये नीचे गिरते भाई ये पूरा टूट गया, नहीं तो यार यहाँ पे ना वाटर पॉपी थी ना बहुत अच्छे से फैली थी यार, और हमने छोटा सा एक इसमें ना वाटर लिली भी ऐड किया था वो भी अच्छे से फैला था यार। तो मैं मेरे दोस्त के घर से आ गया और यार काफी ज्यादा रात हो चुकी है यार। ये देखो यार स्कूबी सॉरी भाई तुझे नहीं लेके गया था भाई मैं, ये देखो यार। अरे अरे आराम से यार, चल स्कूबी स्कूबी, ओए क्या कर रही है यार रस्टी और सिम्बा को ढूंढ रही है क्या, वो ऊपर होंगे भाई उनको नीचे लाना होगा, इसको ना आदत लग जाए भाई इधर उधर जाने की। हमारे सिम्बा की चेयर पर किसने राज किया, हमारे स्कूबी ने यही पे बैठना ज्यादा पसंद करती भाई हमारे स्कूबी। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है यार, हमारा जो कोको है ना कोको को मैं हमारे बड़े टैंक में शिफ्ट कर रहा हूँ यार, जो कि यहाँ पे ठीक है, ये कभी रुकने का नाम लेती ही नहीं है यार। ये देखो अभी इसे क्या मिल गया है तोड़ के ही मानेगी भाई ये। अभी क्या करता हूँ हमारे जो दोनों हैमस्टर है ना मैं उनको बड़े वाले केज में इनको शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखो यार ये हमारा पहला वाला हैमस्टर जो कि है हमारा मेल जो कि है इसका नाम कोको कोको, चला जा भाई। ये देखो ये अभी फ्रेंडली तो हो चुका है, तो चलो अभी इसे उठाते हो और मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया हमारा कोको, और हमारे जो फीमेल हैमस्टर है ये यहाँ पे है, ये देखो यही उठा कर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलो भाई आ जाओ, ये यहाँ पे ही रहेगा ऐसा, भाई आ जा बाहर। हेलो ये देखो ये आ गई हमारी फीमेल हैमस्टर, और ये कुछ ऐसा रहने वाला है हमारा, मतलब इस पाइप को थोड़ा ज्वाइन करना होगा, यूनिट ज्वाइन कर दो फिर आपको मिलता हूँ। ये देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये ज्वाइन भी कर दिया, और हैमस्टर ना ऐसा जाकर पूरा एल शेप में यहाँ पे अंदर आने वाला है। यार ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, भाई क्या कर रहा है अरे यार ये देखो यार इसी की वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पे ये वाली सैंड ऐड की है जो कि आराम से खेल सके। ये देखो यार ये देखो यो भाई 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 यहाँ पे तो ये गुफा कर रहा है शायद से। ये आ गया भाई हमारा हैमस्टर, ये देखो यार ये अभी इसके सेकंड घर में भी एंट्री मार रहा है, ये इसका फर्स्ट वाला घर हो गया, ये वाला इसका सेकेंड वाला घर हो गया, ये भी जाएगा शायद से। आ जा भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, और ये देखो भाई वाह ये देखो भाई इन्होंने तो एंट्री मार दी उनके घर में, और ये देखो भाई साहब बड़ी क्यूट लग रही है यार ये। तो हमने हमारे मेल हमस्टर का नाम तो रख लिया कोको, और मैंने आपको पूछा था भी हमारी फीमेल हमस्टर का क्या नाम रखे, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स भी आए थे यार इसका नाम आप रखो, क्या रखो भाई, क्रीमी, तूने भी वही बोला था ना क्रीमी, तो हम वही नाम रख रहे हैं दोस्तों क्रीमी, तो इसको क्रीमी सूट भी कर रहा है क्योंकि ये क्रीम कलर की है ना। ये देखो और इसके जो आईज है ये रेड कलर में है, और क्रीम कलर का इसका कलर है तो इसको सूट भी हो रहा है यार, और सिर्फ कोको इसका ब्राउन कलर है तो इसको कोको भी सूट हो रहा है यार, ठीक है। तो इसका नाम हो गया कोको, और हमारी इस वाले हमस्टर का नाम हो गया भाई क्रीमी। और दोस्तों मैंने क्या किया यार, ये देखो ये हमारे स्कूबी के लिए ये मंगवाया भाई टॉयल, ठीक है, तो इसने ये क्या कर दिया देखो यहाँ पे इसने, तो मतलब ये देखो भाई क्या कर दिया इसने,
आज ही मंगवाया भाई, क्योंकि इसकी हर 15 दिन में हम अच्छे से क्लीनिंग करने वाले हैं, तो इसको टॉवल लगते रहेगा भाई हर हफ्ते, मतलब इसे लगते रहता है भाई टॉवल, तो इसी की वजह से मैंने इसके लिए ऑर्डर किया। और भाई इसने क्या कर रही है, स्कूबी चल इधर, चल 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 स्कूबी स्कूबी स्कूबी, ओए ओए आराम से भाई, आराम से भाई, नहीं इससे नहीं भाई, इस तरह जब काम होगा तो भी मिलेगा भाई तुझे। और दोस्तों सारे भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो चलिए और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और कल यार हमें ना ये ट्राई करना है कि हमारे जो श्रिंप है ना उनको उनका टैंक भी देना यार सेटअप, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हमारा बहुत जल्द एक सरप्राइज भी आने वाला है, मतलब मैं वहाँ तो गप्पीज रखने वाला हूँ भाई, वो आने वाले भी हमारे सेटअप में बहुत जल्द। तो चलिए यार दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों हमारे जो हमसे के किचन भाई ऊपर से हमें कवर करना है जो कि ये वाली नेट से, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे परिंदे आते रहते हैं। क्या हुआ, होली का प्रसाद, थैंक यू।